इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा देशभक्ति का नाटक करता है तो वो हैं इस देश के न्यूज एंकर्स। ऐसे सीना ठोक ठोक के बात करते हैं कि लोगों की भुजाएं फड़क उठती हैं। जब ये चीन पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि टीवी से बाहर निकलकर चीन का कॉलर पकड़ के उसको कूट देंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आपके सामने देशभक्ति का ड्रामा करने वाले यही एंकर अपने शो में चीन का माल भी खूब बेचते हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बस आगे आगे देखते जाइए। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार का आंदोलन भारत में बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। गलवान में चीनी फौज ने जो किया है उसके जवाब की शुरुआत की पहली कड़ी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और होना भी यही चाहिए। इन चीनियों को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। इनके ठेके रद्द होने चाहिए, भारत में चल रही चीनी कंपनियां बंद होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम आपके सामने उन न्यूज चैनल्स की पोल खोल रहे हैं जो आपके सामने तो खूब उबलते हैं चीन के नाम पर, लेकिन पीछे से खुद चीनी साठगांठ किए बैठे हैं। चीन के खिलाफ खूब उबल उबल कर आग उगलने वाले ये न्यूज चैनल खुद चीन के साथ ऐसी साठगांठ किए बैठे हैं कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। देखिए, इस वक्त जो चैनल चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा फनफना रहा है वो है रिपब्लिक टीवी। लेकिन कल रात की डिबेट के इस रोचक वाक्य को देखिए। चीन के खिलाफ बहस चल रही है और अर्णब जी खुद स्पॉन्सरशिप लिए बैठे हैं चीन के ब्रांड वीवो मोबाइल से। भाई वाह, मतलब देश में चीन के नाम पर बवाल मचा है। न्यूज चैनल तक सरकार से सवाल पूछने वालों को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन आप खुद चीन के साथ अंदरूनी साठगांठ चलाते रहिए और अपने ही शो के जरिए वीवो के मोबाइल बिकवाते रहिए। अब ये देखिए एक और देशभक्त एंकर का स्क्रीनशॉट। यहाँ अमीश देवगन चीन के खिलाफ शो कर रहे हैं, अंदाज एकदम फोड़ कर रख देंगे वाला होता है। और यहाँ नीचे देखिए स्पॉन्सरशिप किसकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हायर कंपनी भी चीन की ही है। बात सिर्फ ओप्पो, वीवो और हायर जैसी कंपनियों की ही नहीं है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओयो रूम्स, ओला जैसी कंपनियों में भी खूब चीनी हिस्सेदारी है और इनके विज्ञापन भी न्यूज चैनलों पर धड़ल्ले से चलते हैं। यहाँ देखिए, आज तक वेबसाइट चीनी मोबाइल कंपनी की लॉन्चिंग की खबर अपनी वेबसाइट पर चलाता है और उनके सेल्स में मदद करता है। यानी ये न्यूज चैनल अधिकतर चीनी कंपनियों का विज्ञापन करते घूमते हैं और अपने दर्शकों के सामने खूब चीनी माल बिकवाते हैं। लेकिन टीवी स्क्रीन पर इनके ड्रामे भी उतने ही बड़े हैं। देश के ये मीडिया चैनल दिखाने के लिए तो चीन के खिलाफ बहुत आग बबूला है, लेकिन जो सरकार से सवाल पूछते हैं उन्हें ये गद्दार, चीनी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहने पर आमादा भी हो जाते हैं। हालांकि इस बीच यूपी से चलने वाले एक समाचार चैनल भारत समाचार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत समाचार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने फैसला किया है कि वो अपने चैनल पर किसी भी चाइनीज कंपनी का विज्ञापन नहीं चलाएंगे। देखिए उनका ये ट्वीट। ये फैसला उन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए लिया है। लेकिन अब हमारा सवाल इस देश के टॉप 5 चैनल से है। टीआरपी में टॉप पर आने वाले आज तक जी न्यूज, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी वगैरह ऐसा ही ऐलान करके क्या अपनी देशभक्ति दिखाएंगे? जी हाँ, टीवी पर उनके एंकर्स के देशभक्ति वाले भाषणों से ज्यादा अच्छा ये है कि वो और उनके एंकर्स खुले तौर पर तमाम चीनी कंपनियों के विज्ञापन चलाने से इनकार कर दें। अगर आप इस बात से सहमत हैं और खुद ये देखना चाहते हैं कि जिन न्यूज चैनल को आप इतना देशभक्त मानते हैं वो खुद क्या ऐसा ऐलान करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुँचाइए एक एक आदमी तक।